सिवान में महावीरी अखाड़ा का शोभा यात्रा पर जमकर पथराव, कई लोगों का फटा सिर और टूट गया पैर, 6 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल, धारा 144 लागू। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। महावीरी अखाड़ा का शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से जा रहा था, तभी असामाजिक तत्वों ने उस पर हमला बोल दिया, जिसमें 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इसमें पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ा, 6 पुलिस के जवान घायल हो गए हैं। किसी का सर फटा तो किसी का पैर टूट गया। कई असामाजिक तत्व तो मस्जिद के ऊपर से जमकर ताबड़तोड़ पथराव कर रहे थे, यहां तक कि महिलाएं भी जमकर ईंट पत्थर जलाए, पूरी तरह से चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई थी। जी हां, दरअसल बिहार के सिवान में महावीरी अखाड़ा शोभा यात्रा पर गुरुवार शाम को असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इसके बाद दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। हालात को काबू करने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव में दोनों पक्षों से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पथराव में सब इंस्पेक्टर, 2 ASI समेत 6 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल है। 2 पुलिसकर्मी का सिर फटा है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पथराव का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व मस्जिद पर चढ़कर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। आसपास के घरों से महिलाएं भी पत्थर फेंकती दिख रही है। इसके बाद शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने भी पथराव किया। एक गुमटी में आग भी लगा दिया गया। पुलिस ने दोनों पक्ष से अब तक कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। यह पूरा मामला जिले के बरहरिया थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार का है। इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्षेत्र में उपद्रव को देखते हुए SP शैलेश कुमार सिन्हा ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। बताया जा रहा है कि महावीरी झंडा मेले में शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान मस्जिद के पास किसी बात को लेकर दो पक्षों के लोगों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद पर चढ़कर ऊपर से ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पूरी तरह से महावीरी अखाड़ा पर हमला बोल दिया गया। देखिए किस प्रकार वीडियो में दिख रहा है कि कुछ महिलाएं भी अपने अपने छतों से ईंट पत्थर बरसा रही है। बढ़ते बवाल को देखते हुए कुछ लोगों ने एक पानी की दुकान को आग लगा के हवाले कर दिया। पथराव में दोनों की समुदाय के 12 लोग घायल हुए हैं। जैसे जैसे पत्थर होता रहा और बीच बीच में चीख पुकार मचता रहा। महावीरी अखाड़ा शोभा यात्रा की सुरक्षा में लगी पुलिस ने जब असामाजिक तत्वों को मौके से खदेड़ने का प्रयास किया, तो असामाजिक तत्व द्वारा उन पर भी पथराव किया गया। घटना के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। तनाव को देखते हुए पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। बरहरिया थानेदार प्रवीण कुमार प्रभाकर ने बताया कि दो पक्षों के लोगों ने द्वारा एक दूसरे पर पथराव तथा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें कई लोग गंभीर रूप से जख्मी है। पूरे गाँव में पुलिस गश्त कर रही है। अब तक 10 लोगों को हिरासत में भी लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे रात में अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया जा सकता है। आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मस्जिद से पथराव के बाद धारा 144 लगा दी गई है। पथराव में 6 पुलिसकर्मियों समेत 18 लोग घायल है। अब तक 10 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही उपद्रवियों की तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गई। बता दें कि पुलिस कार्रवाई के बाद मौके पर सन्नाटा पसर गया। फिलहाल पुलिस ने उपद्रवियों को शिनाख्यात करने में लगी है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।